Hello students. Students, in the last lecture we have studied about the grouping of capacitors. Now we will do some numerical problems which will give us some practical analysis of the network circuit in which we have used these types of capacitors. ठीक है, हम basically represent कर रहे हैं किसको, parallel plate capacitors को. वैसे तो यहाँ पर कोई specification नहीं दिया गया है कि ये जो capacitors use किए गए हैं वो कौन सी टाइप के हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया जाएगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में, या कैपेसिटर का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही रहेगा. ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम आ रहे हैं डायरेक्टली. देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स को कंबाइन किया गया है. ठीक है, और कंबाइन करने के बाद हमसे क्वेश्चन किया गया है कि यदि एक 10 वोल्ट की बैटरी को इस प्रकार के सर्किट में डेवलप किया जाए या कनेक्ट किया जाए तो व्हाट विल बी द चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स क्या होगा, ये आपको बात बतानी है. ठीक है, और टोटल चार्ज बताना. देखिए बेटा, जैसे ही स्विच ऑन होगा आपको पता है करंट इधर से फ्लो करेगा यानी कि चार्ज फ्लो करेगा, तो यहां पर क्यू चार्ज है. ठीक है, क्यू चार्ज यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर दो पार्ट में, सबसे पहले आपको पार्ट डिवाइड करने आने चाहिए. यहां तक क्यू चार्ज गया, फिर वो इस तरफ चला गया बेटा और इस तरफ चला गया. ये क्यू वन पार्ट हो गया, ये क्यू टू पार्ट हो गया. ठीक है, और ये क्यू वन और क्यू टू दोनों फिर से मिल जाएंगे यहां पर जब पहुंचेंगे, तो इधर क्या जाएगा बेटा, इधर जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और ये क्यू वन प्लस क्यू टू एक्चुअली में सी थ्री में से पास होगा, तो यहां पर फिर से सर्किट में चार्ज तो वही रहेगा ना, तो ये क्यू रहेगा. ठीक है, अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, आफ्टर सीइंग या एनालाइजिंग द सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड दैट द टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ऑल्सो दैट इज इक्वल टू क्यू थ्री. ठीक है, क्यू थ्री में ये जो सी थ्री में से जो चार्ज गया बेटा वो क्यू थ्री गया है, और क्यू थ्री एक्चुअली में क्यू के बराबर है, और ये दोनों चार्ज किसके बराबर है, क्यू वन और क्यू टू के बराबर. तो पहली, सबसे पहली मैथमेटिकल रिलेशन हमारे दिमाग में सर्किट को देखने के बाद ये आई, क्योंकि सर्किट एनालिसिस ही यहां पर इंपॉर्टेंट है. सोल्व करने के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सी वी. ठीक है, क्लियर होगी ना पिक्चर? तो आपको पहली रिलेशन ये निकल कर आई. ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज की. बेटा इस पॉइंट, यहां पे एक जॉइंट बना ना, और यहां पर एक जॉइंट बना है, और एक यहां पर जॉइंट बना है. इस बिंदु को ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं. देखिए बेटा, चार्ज जब गया तो टर्मिनल्स बने यहां पे ए बी सी, यानी के ए और बी के बीच में पोटेंशियल क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, ध्यान से देखो, ये जो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, ये एक्चुअली में ए और सी में डिवाइड हुए हैं, यानी कि ये जो पोटेंशियल 10 वोल्ट अप्लाई की है वो हमने ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में हमने क्या किया बेटा, डिवाइड की है. लेकिन ए और सी के बीच में बी भी आ जाता है ना, तो जब टर्मिनल डिवाइड हो रहा है आपस में, ए और सी के बीच में भी पार्टीशन हो रहा है, तो वोल्टेज भी डिवाइड होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए. तो यहां से यहां तक ए और बी के बीच में हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज मान लेते हैं वी वन, यानी कि इस 10 का सम पार्ट विल डिवाइड या ड्रॉप इनटू दिस रीजन, और दूसरा जो है बेटा वो यहां पर डेवलप होगा, वो होगा वी टू. वी वन और वी टू दोनों समझ में आ गई आपको? ठीक है, कैसे किया. और टोटल वोल्टेज क्या, यहां से एक और रिलेशन मिली कि V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू के बराबर है. पिक्चर समझ में आ रही है? देखो मैंने यहाँ पे आपको कल भी बताया था, देर आर थ्री क्वांटिटीज एंड वी हैव टू एनालाइज फ्रॉम द सर्किट ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज. हमने चार्ज के बारे में रिलेशन देखी कि कैसी रिलेशन बन रही है, वो हमें समझ में आ गई. हमने वोल्टेज को एनालाइज किया तो हमें वोल्टेज की रिलेशन समझ में आई. अब तीसरी बात आती है बेटा कैपेसिटेंस की, तो हमें कैपेसिटेंस भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये सर्किट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ए और सी के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप करना में, तो ए से जब हम चले तो हमारा जो पाथ है वो डिवाइड हो गया,
इसका मतलब ए से बी तक का जो कॉम्बिनेशन है वो पाथ जब डिवाइड होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब बेटा कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या आएगा, वो बेटा इन दोनों कैपेसिटर्स का सी वन का और सी टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, और पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो बेटा जैसे ये 10 माइक्रोफेरेड है और ये 5 है, तो आंसर कितना आ गया 10 + 5 = 15 माइक्रोफेरेड। मतलब ए और बी तक का कैपेसिटेंस हमें समझ में आ गया, हमने निकाल लिया। फिर बेटा जो बी और सी के बीच का कैपेसिटेंस है बी सी, वो तो एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम है सी थ्री, और उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 4 माइक्रोफेरेड। इतना समझ में आ गया। और फिर आपने क्या देखा कि ए बी और सी तीनों पॉइंट सीरीज में है, तो इसका मतलब जो हमारा ए सी आएगा कैपेसिटेंस वो क्या होगा, वो ए बी प्लस ए सी का ना सॉरी बी सी का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। कैसा कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझना है, सीरीज में हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब मैं राइट डाउन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, हमारा फॉर्मूला क्या था सीरीज का, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, ये था ना। तो इस फॉर्मूले के अनुसार सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CAC इज इक्वल टू 1/CAB + 1/CBC, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया बेटा, 1/ इसको सी एस लिख देता हूं, सीरीज सर्किट क्या आ गया बेटा, ए से बी तक का कितना निकल के आया था 15, तो 1/15 प्लस ये कितना है 4, 1/4। आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीका आपको सीधा बताया था कि सीरीज में कैसे लिखते हैं, सीरीज को दोनों की गुणा ऊपर और दोनों का जोड़ नीचे, ठीक है ना। तो कितना आ गया बेटा 60/19 माइक्रोफेरेड, 19 × 57 ठीक है 30 ठीक है, ऑलमोस्ट 1 कितना हो गया 19 हो गया, 19 × 38 30 था तो 19 11 बच गया 0 110, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आना चाहिए, ठीक है ऑलमोस्ट 3.16 माइक्रोफेरेड का हमारा कैपेसिटेंस आ गया। तो ये आपके पास समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैंने इस पूरे सर्किट का चार्ज कॉम्बिनेशन देख लिया, मैंने इस पूरे सर्किट का वोल्टेज कॉम्बिनेशन देख लिया, मैंने इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन यानी कि तीनों टर्म्स मैंने कैलकुलेट कर ली ना। तो बेटा अब आपको रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q1 + Q2 ठीक है यहां पर कैसे निकालेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं बेटा। पहले आप देखो 10 वोल्ट हमारे पास V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, ठीक है। मुझे क्या पता है, अब एक बात बताओ बेटा यहाँ पे क्या तुम्हें चार्ज की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू पता है। अब देखिए Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले से फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो V1 नहीं पता मुझे, V2 भी नहीं पता, सिर्फ मुझे सीरीज का पता है, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज पता है, यानी कि V पता है और CS पता है 3.16 माइक्रोफेरेड, ठीक है ये बात पता है बेटा मेरे को। तो जब हमें टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस पता हो तो टोटल चार्ज निकल सकता है ना। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा, क्यू क्या आएगा CS इंटू वी, CS इंटू वी क्या आ जाएगा बेटा, CS कितना है 3.16 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया 31.6 माइक्रो कूलम, ठीक है माइक्रो में ही आएगा आंसर, तो माइक्रो कूलम ये आ गया आपका टोटल चार्ज। आपके पास क्या मिल गया, आपको क्यू मिल गया, और क्यू मिल गया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था Q3, क्यू और Q3 दोनों पता चल गए। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू पता चल गई क्यू की और इसकी वैल्यू पता चल गई हमें
Q3 की सिचुएशन समझ में आ रही है ना, तो मैं इन तीनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को लिख लेता हूं। अभी आपके पास जो जो वैल्यू अवेलेबल है मैं फिर से लिख देता हूं, क्या क्या अवेलेबल है बेटा। यहां से हमें सीरीज का जो कैपेसिटेंस था वो क्या निकल के आया था, 3.16 माइक्रोफेरेड, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, टोटल चार्ज हमारे पास अभी अभी कितना आया है, 31.6 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर हो चुकी है अब तुम्हें ये बात, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता चल चुका बेटा, क्यू और क्यू थ्री तीन दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है, 31.6 माइक्रो कूलम है, क्यू थ्री पता चल चुका है ना बेटा। और हमारे पास सी थ्री भी हमें पता है, सी थ्री कितना था, 4 माइक्रो फेरेड। अगर हमें क्यू थ्री का पता है और सी थ्री का पता है तो हम वी थ्री भी निकाल सकते हैं। वी थ्री कैसे आएगा, यहां से क्यू बाई क्यू थ्री बाई सी थ्री करके, तो बेटा कितना आ जाएगा, 31.6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 4 माइक्रो फेरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, 4 से 28 और 3 31 3.6 बच गया, 4 नीम 36, तो 7.9 वोल्ट। क्यू थ्री हमें सॉरी बेटा वी थ्री का पता चल चुका है हमें, किसका चल चुका है, वी थ्री नहीं है, ये आप बेटा थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, वी थ्री नहीं था, वी टू है, हमें वी टू का पता चल चुका है, किसका पता चल चुका है, वी टू का। तो मेरे पास V2 वोल्टेज कितनी आ गई, 7.9 वोल्ट, कितनी आ गई, 7.9 वोल्ट, और टोटल वोल्टेज कितनी थी, 10 वोल्ट, और रिलेशन क्या थी, V1 प्लस V2, यानी कि 10 इज इक्वल टू V1 प्लस 7.9, इसका मतलब V1 कितना आ गया, 10 माइनस 7.9 कितना आ गया बेटा, 2.1 वोल्ट। यानी के मुझे क्या क्या पता चल चुका है बेटा, अब तुम्हें सारी चीजें एनालाइज हो चुकी है मैक्सिमम। देखिए मुझे इसका आंसर मिल चुका है, क्यू का ठीक है मिल गया, मुझे क्यू थ्री पता लग चुका है ठीक है मिल गया, मुझे वी वन का पता लग चुका है मिल गया, वी टू का पता लग चुका है मिल गया। अब क्या रह गया, क्या रह गया बेटा, मैंने क्या निकालना और है, मुझे वोल्टेज पता चल गई वी वन कितनी आई, 2.1 वोल्ट, और ये V1 वोल्टेज किसको मिलेगी, C1 को भी इतनी मिलेगी, C2 को भी इतनी मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में है इसके। तो बेटा अब अपने आप Q1 निकल जाएगा, हमें वोल्टेज पता करनी थी, कैपेसिटेंस तो हमें दे रखे थे, तो बेटा Q1 क्या आएगा, देखो ध्यान से, Q1 क्या आएगा, C1 कितना है, 10 माइक्रो फेरेड इंटू 2.1 वोल्ट, आंसर आ गया 21 माइक्रो कूलम। और Q2 कितना है बेटा, Q2 बताओ कितना है, Q2 आएगा C2 into V1 आएगा बेटा, तो C2 कितना है, C2 है हमारा 5 माइक्रो फेरेड इंटू 2.1 वोल्ट, आंसर कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आ गया बेटा, 10.5 माइक्रो कूलम। ध्यान से देखो बेटा, 21 माइक्रो कूलम और 10.5 माइक्रो कूलम मिलके कितना हो जाएगा, 31.5 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये 5 और 6 तो वो हमने क्या किया था, सोल्व किया था, तो उसी हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो क्यू था, मैंने क्या लिखा था, Q1 प्लस Q2 का सम आएगा, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन भी हो गया कि जो टोटल चार्ज है वो 31.6 या 5 माइक्रो कूलम ही है। तो बेटा एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन द वन पर्टिकुलर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने सारे तो चार्जेस को एनालाइज किया कि कौन सा चार्ज कहां पर कितना है, चार्ज कंजर्वेशन भी समझ में आया, वोल्टेज डिविजन से वोल्टेज भी डिवाइड करके उसका सम निकालना हमने सीख लिया, पर्टिकुलर वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल ली, कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। तो तीनों क्वांटिटीज को एक ही एग्जांपल से मैंने आपको एनालाइज करके बताया, मेरे ख्याल से ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका
अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, ध्यान से देखिए बेटा क्या कर रखा है मैंने, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो ऑटोमेटिकली जब Q इंटू सी इंटू वी की बात आती है और बैटरी नहीं है बेटा हमारे पास, तो सर्किट तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो हम चार्ज निकालेंगे और ना हम वोल्टेज निकालेंगे, तो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन होगा सिर्फ, किसका बेटा, कि टोटल कैपेसिटेंस ही निकालना पड़ेगा हमें। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए सर्किट को एनालाइज कीजिए बेटा, ए बिंदु से चार्ज मान लिया यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये और ये, तो ये दो पार्ट चले गए ना, तो इसका मतलब जहां पे डिवीजन होता है तो इधर चार्ज जाएगा इधर चार्ज जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। फिर चार्ज यहां पर पहुंचेगा, इस तरफ आएगा, यहां वाला चार्ज भी इस तरफ जाएगा, तो ये कॉमन पॉइंट बन गया, मतलब दोनों चार्ज एक पॉइंट पे जाकर अगर मिलेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तो दिस पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट और पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी सेम, ठीक है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो सी फिक्स है, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स की क्या आ जाएगी, चार्ज भी सेम जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगी बेटा, पोटेंशियल एट क्या, ए एंड बी इज सेम, तो बेटा इसका यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चार्ज फ्लो तो तभी करेगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से चार्ज इधर ने जाकर इसको इसके अंदर जाएगा, तो ये पाथ सिंगल पाथ हो गया, तो इसका मतलब इसका और इसका सीरीज, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में। ये वाला कनेक्शन कैपेसिटर और ये आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में, लेकिन इन दोनों के डिफरेंट पाथ थे तो आपस में क्या बन जाएंगे, ये पैरेलल में। तो मैं इस सर्किट को मॉडिफाई कैसे करूं, थोड़ा जो तुम्हें दिखने में आसान लगे, देखो ए बिंदु से मैं चला यहां पे गया, इस बिंदु पर गया, एक कैपेसिटर मैंने यूज कर लिया 1 माइक्रो फैरेड का, फिर यहां से मैं दूसरे कैपेसिटेंस पे गया 1 माइक्रो फैरेड का, दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहां पर आ गया, इसी प्रकार से बेटा इधर से गया 1 माइक्रो फैरेड, फिर उसके बाद 1 माइक्रो फैरेड, और मैंने इस प्रकार से कंबाइन कर लिया, तो बेटा इस सर्किट का मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो गया। अब आपको ध्यान दे रखा है, ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरा क्या है, ये दोनों सीरीज में हैं और आपस में पैरेलल में हैं, तो इसका क्या बनाऊं मैं, पहले वन और वन का कह लूं सीरीज, तो बेटा इसको एक पार्ट मान लो पार्ट 1, इसको एक पार्ट मान लो पार्ट 2, तो बेटा सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ पार्ट 1 क्या आएगा, दोनों की गुणा, एक गुणा एक, एक जमा एक, आंसर आ गया 1/2 माइक्रो फैरेड। इसी प्रकार से ये दोनों भी सीरीज हैं, तो सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ पार्ट 2, 1 × 1, 1+1, आंसर आ गया 1/2 माइक्रो फैरेड। समझ में आ गई बेटा बात, तो इन दोनों का मैं निकाल चुका हूं। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुपिंग थी वो एक कैपेसिटर में बदल गए इतने के, ये ग्रुपिंग बदल गई एक कैपेसिटर में इतने के, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम अब टोटल पैरेलल कैपेसिटेंस क्या आएगा, CS1 + CS2, दोनों को ऐड कर दो, 1/2 + 1/2, आंसर कितना आ गया बेटा, 1 माइक्रो फैरेड। तो बेटा इस पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दो मैंने न्यूमेरिकल आपको समझाया, जिसमें एक में इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना था और एक में हमने कंप्लीट इसको एनालाइज करना था, ठीक है। सर्किट और बनाए हैं अभी, ठीक है, तो उसको भी एनालाइज करेंगे अब हम। हमारा मेन पर्पज क्या है, ये क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क निकालना आता है, ठीक है। अगर आप एक आपको कैपेसिटेंस पता चल गया, चार्ज पता चल गया, तो तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी कि कम से कम दो क्वांटिटीज का आपको पता होना चाहिए। इसमें हम कहीं पर बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं, तो दो टर्मिनल्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो सर्किट एनालाइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए बेटा क्या है, हमें ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, और ये सर्किट जो है देखिए बेटा, यहां से यहां तक, ये यहां पर यहां से चला कर चार्ज और यहां पर पहुंचा,
यहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो बेटा देखिए, एक पर्टिकुलर सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है, फिर ध्यान से देखो तो इसकी बिल्कुल मिरर इमेज यहां पर कंप्लीट हो रही है, यानी कि पार्ट वन, पार्ट टू, फिर अगर ध्यान से देखें तो पार्ट थ्री एंड सो ऑन। तो आपको पहले तो इस सर्किट को देख के क्या पता चल रहा बेटा कि एक छोटा सा सर्किट है, बार बार रिपीट करके कनेक्ट किया गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जोड़े गए हैं, बहुत बार जोड़े गए हैं। तो बेटा आइडेंटिकल सर्किट बन गया, पहली बात तो ये, यानी कि आइडेंटिकल सर्किट रिपीटेड मेनी टाइम्स हो गया, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब बात क्या आती है कि अगर बहुत ज्यादा बार कोई सर्किट रिपीट कर रखा हो तो अगर आप उसमें से एक पार्ट निकाल भी लेंगे या यूज नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट के कैपेसिटेंस पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एक पर्टिकुलर सर्किट को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर दिया जाए और एक पर्टिकुलर हम टाइप उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ना लें तो वो सर्किट फिर भी वैसा ही उतना ही कैपेसिटेंस देगा क्योंकि रिपीटेड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, इस सर्किट को हम रिड्यूस करते 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 लेकर आए, ध्यान से देखो, ठीक है। तो बेटा यहां से यहां तक एक सर्किट है, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है यहां से इस हिस्से से लेकर और बाकी सारा रिपीटेड सर्किट है, ये वाला सर्किट रिपीटेड सर्किट है। तो बेटा इस पूरे के कैपेसिटेंस को मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन मैं पूरे के कैपेसिटेंस को क्या मान लेता हूं, सी डबल डैश मान लेता हूं, या सी डैश मान लेता हूं बेटा। यहां पर इसको क्योंकि इसकी वैल्यू सी सी थी ना, तो सी सी और बाकी वाले को क्या मान लिया, सी डैश। तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, मल्टीपल सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या मान लिया, सी डैश मान लिया। तो अब हमारा ये सर्किट मॉडिफाई होकर कैसे बन जाएगा, ए पॉइंट कैपेसिटर सी, फिर कैपेसिटर सी, ये बी पॉइंट है बेटा, यहां तक हो गया, और बाकी वाला क्या ले लिया हमने, सी डैश मान लिया, यानी कि सी सी डैश, यानी कि इस सर्किट को रिड्यूस करके हमने ये बना लिया। अब आपको देखने में आसान लग रहा है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहां पर दो पॉइंट बने, मतलब डिवीजन हुआ चार्ज का। तो बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन जो है, यहां से यहां तक दो दो कैपेसिटर सी और सी डैश पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इसको हम मान लेते हैं सी डबल डैश। इसका यहां से यहां तक का डी और ई के बीच का, ए बी सी हो गया, डी और ई के बीच का कॉम्बिनेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द डी ई, ठीक है। तो डी ई में क्या है बेटा, सी प्लस सी डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में आप कैसे जोड़ते हैं आपको पता है। तो ये आ गया आपका इन दो टर्मिनल्स के बीच का कैपेसिटेंस। तो फिर यही सर्किट दोबारा से मॉडिफाई करो, मैं आपको बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं, ये सी आ गया, डी और सी को कापा निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसको सीधा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर और जोड़ दो जो किसके बराबर आया है, सी डी ई के बराबर, और ये पॉइंट आ गया बी। अब ये और भी आसान दिखाई दे रहा है कि हमारा ये वाला सर्किट पहले इसमें रिड्यूस किया, फिर हमने इसमें रिड्यूस किया, अब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बेटा अब हमारा जो अगला जो रिजल्ट आएगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा टोटल, और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सी, पहली बात तो सी एंड सी डी ई आर इन सीरीज, सीरीज में है ना बेटा, तो सीरीज में है तो क्या रिजल्ट आएगा, सी एस इज इक्वल टू क्या करें, दोनों का, दोनों की गुणा, तो ऊपर वाले दोनों की गुणा सी की सी डी ई के साथ गुणा, और दोनों का सम सी प्लस सी डी ई, क्लियर होगी बात, पिक्चर समझ में आ रही है। तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ, ये आ गया आपका सी गुणा सी प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई सी प्लस, ठीक है, ये क्या आ गया सी प्लस सी डैश, ये रिजल्ट आ गया ना आपके पास, समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने वही रूल लगाया बेटा, इस कैपेसिटर की इसके साथ क्या कर दी, पहले तो गुणा कर दी, ठीक है,
और उसके बाद फिर नीचे क्या होता है, सीरीज में सम होता है, कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा सी डैश, क्योंकि रिपीटेड सर्किट का सी डैश माना था, तो सी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखो, सी और सी का, सी का और सी डी का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा, सी प्लस सी डैश इसकी वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई सी प्लस सी डैश, तो रिजल्ट आ गया बेटा सी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश डिवाइडेड बाई टू सी प्लस सी डैश, तो इधर मल्टीप्लाई करो क्या रिजल्ट आ रहा है, सी डैश स्क्वायर प्लस टू सी सी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश, इधर ले आओ रिजल्ट क्या आ गया बेटा, सी डैश स्क्वायर प्लस इसमें से ये कैंसिल होगा एक, तो क्या देगा सी सी डैश माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप होगी बेटा, हमने देखो ये रिपीटेड सर्किट था ना, तो यहां तक वाले को सी डैश माना था, तो आगे भी तो वही सर्किट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों का भी जो कॉम्बिनेशन आएगा वो सी डैश के बराबर ही आएगा, तो बेटा इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए गुणा तो आनी चाहिए, यानी कि हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला अगर हम लगाए तो रिजल्ट क्या बन रहा है इसका, सी डैश इज इक्वल टू, क्योंकि सी डैश में है ना क्वाड्रेटिक, सी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है सी है, क्योंकि सी डैश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए का मतलब इसका कोफिशियंट कितना वन, वन इंटू ये क्या आ रहा है बेटा ए सी, तो ए सी क्या आ रहा है माइनस सी स्क्वायर, तो इसका मतलब माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा टू ए, तो टू इंटू वन आ जाएगा, माइनस सी प्लस माइनस रूट ए कितना आ गया बेटा फोर सी स्क्वायर प्लस कर, तो फाइव सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया टू, रिजल्ट आ गया माइनस सी प्लस माइनस रूट फाइव सी डिवाइडेड बाई टू, क्लियर होगी बात, तो यहां से सी कॉमन आ जाएगा, रिजल्ट कितना बच गया माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एक रिजल्ट ये बनेगा और माइनस में भी बनेगा, और कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, तो बेटा माइनस फाइव की वैल्यू भी आपको पता है 2.25 समथिंग आती है, तो माइनस वन और प्लस के 2.25 करेंगे तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सी इंटू 1.25 बाई टू, ये जो रिजल्ट है आपका, ये आपका सी डैश का मान आ गया, अगर आपको सी की वैल्यू पता है कुछ भी हो तो हम इस वैल्यू को पुट करके रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बात आपको समझ में आई, फिर से सुन लो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस रिपीटेड सर्किट को पहले एक सर्किट छोड़कर बाकी जो रिपीटेशन थी उनको सी डैश मान लिया, फिर हमने देखा कि यहां से और नेक्स्ट सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बनता है, तो इसका हमने इक्विवेलेंट निकाला, वो पैरेलल था तो सम कर दिया, फिर ये मॉडिफाई होने के बाद ये सर्किट बन गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज को सॉल्व किया, तो यहां से हमें अब पता चल गया कि आगे का जितना भी हमने माना था वो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है सी डैश आ रहा है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट क्या आ रहा है सी डैश आ रहा है, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा ये यहाँ का सर्किट पहले वाला हमने सोल्व कर दिया, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू 1.25 बाई टू, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गई, अब इसी प्रकार से इस सर्किट को एनालाइज कीजिए, फटाफट बताइए बेटा मुझे, ए और बी के बीच में यहां से डिवीजन होना शुरू हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये सर्किट और ये सर्किट, अगर इसको आप सी पॉइंट माने, तो अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं, ए से चले कैपेसिटर आ गया बीच में, सी पर पहुंचे, सी के बाद बेटा सी और बी के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, सी और बी के बीच में सी से दो रास्ते निकले, हम दो रास्ते निकालेंगे, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, ठीक है, अब जो इधर गया रास्ता उस पर क्या हुआ, यहां पर पहुंच गए हम इस पॉइंट पर, कुछ भी नहीं आया था, सीधा बिंदु आ गया, पॉइंट आ गया बेटा,
तो इस पॉइंट पर फिर से क्या हो गया बेटा, दो रास्ते बन गए, दो रास्ते बना दो, बन गए ना, दोनों रास्तों के बीच में कैपेसिटर आ गए, तो हमने दो कैपेसिटर भी यूज कर लिए, फिर दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन भी कर दिया। इतना समझ में आया, यहां से चल के गए ना, तो ये सर्किट ऐसे हो गया। उसके बाद जब मैं यहां से चल के गया तो पहले एक कैपेसिटर आया रास्ते में, उसको क्रॉस किया, फिर से एक पॉइंट बना और फिर दो पार्ट हो गए, दोनों में दो कैपेसिटर आ गए, ठीक है ना, और उसको आपने मिला दिया और फिर हम यहां पर पहुंचे। अब बेटा ये वाला पॉइंट जो यहां से बन रहा है और ये वाला पॉइंट जो, ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, इस बिंदु को हमने बी पॉइंट बोल दिया। तो बेटा बिल्कुल आसान सा सिस्टम है कि ये वाला सर्किट एक्चुअली में ये सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में हमने एनालाइज कर लिया पहले तो, अब फिर देखो बेटा यहां से सीरीज में चल रहे, एक रास्ता है यहां पे दो बटे, तो यहां पे क्या होगा बेटा, पैरेलल बन गया है, बन गया ना बेटा, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ये सीधी बात पता चल रही है, जहां पे भी रास्ता बटेगा वहां पे पैरेलल हो जाएगा। अब बेटा फिर यहां पे इसके फिर से दो रास्ते हो गए, यानी कि ये और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ये सीधा चल रहा है, ये दो रास्ते हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पहले पैरेलल को सोल्व करते हैं, ये देखो बेटा ये कितनी वैल्यू है, दो और दो, ये दो है, ये दो है, तो बेटा ये फर्स्ट सर्किट, ये सेकंड सर्किट, फिर थर्ड सर्किट और लास्ट वाला क्या बना लेंगे हम, फोर्थ। तो पहले फर्स्ट को सोल्व करो, फर्स्ट वाला क्या कहता है, दो और दो चार, तो सी वन फर्स्ट सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दो जमा दो हो जाएगा चार माइक्रोफेरेड, फर्स्ट का समझ में आ गया। अब ये दोनों देखो बेटा, सेकंड सर्किट में तीन और चार जुड़े हुए हैं, तो सेकंड का कैपेसिटेंस क्या आएगा, तीन जमा चार सात माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में देखो, ये पैरेलल आ गया, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो भी देखेंगे पहले। तो बेटा सात के साथ दो माइक्रोफेरेड का सीरीज भी हो रहा है ना, तो इसको सी डैश मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं सेकंड का, तो क्या आएगा बेटा, दोनों की गुणा, तो दो गुणा सात बटे दो जमा सात, तो 14/9 माइक्रोफेरेड। अब इस पूरे को सोल्व कर दिया हमने, कर दिया ना, तो ये आ गया, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल है ना, तो इसका मतलब बेटा जो थर्ड सर्किट है वो फर्स्ट सर्किट और सी डबल डैश का जो है वो कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल। तो क्या आएगा, इसका क्या आंसर आया था, 4/14/9, आंसर कितना आ गया, 36 से और 50/9 माइक्रोफेरेड। यहां तक समझ में आया बेटा, पहले देखो, पहले मैंने इस सर्किट को सॉल्व किया, फर्स्ट वाले को चार आ गया, सेकंड वाले को सोल्व किया सात आ गया, फिर इन दोनों का डैश मान के सोल्व किया, सीरीज था, सीरीज देख लिया ना, तो सीरीज में आ गया हमारे पास रिजल्ट, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका यहां से ही आ गया, आप देखो। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फिर मैंने देखा कि इसका और इसका पैरेलल है, तो पैरेलल कर दिया। अब लास्ट बच गया जो चौथा है सर्किट, वो सीरीज है किसका, एक माइक्रोफेरेड का, तो एक गुणा में बाकी सारा क्या आ चुका है, थर्ड, पहले चौथा सर्किट जो है बेटा थर्ड का और इसका क्या है, सीरीज है ना, तो एक गुणा में 50/9 और एक जमा में 50/9, आंसर कितना आ गया, 59/9 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया बेटा 50/59 माइक्रोफेरेड। तो इस पूरे सर्किट को इस प्रकार से इक्विवेलेंट करके हमने इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये पिक्चर आपको समझ में आई बेटा, तो इस प्रकार से हम टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर आपको मैंने जो कैपेसिटेंस निकालना बताया है, यहां तक आपको स्टडी करना है। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट सर्किट डायग्राम है, उसमें हमें न्यूमेरिकल की जो टाइप है उसको चेंज करना है, ठीक है। क्या चेंज करना बेटा, कि देखिए अब हमें जो Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा इसके ऊपर बेस्ड, कि हमारा जो कैपेसिटेंस है
वो मटेरियल के नेचर यानी के प्लेट्स के बीच में जो मटेरियल यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या फिर इंसुलेटिंग मीडियम, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और डी पर डिपेंड करता है। तो बेटा इस डायग्राम में हमें यही बात एनालाइज करनी है। पहले तो हमें ये समझना है कि सीरीज बना है या पैरेलल बना है। अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन शो कर रहा है तो सीरीज वाले के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे, और पैरेलल बन रहा है तो पैरेलल के हिसाब से जोड़ेंगे। देखिए बेटा पहले तो देखिए माइनस माइनस टर्मिनल माइनस 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 माइनस, तो सबका माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सबका लेफ्ट ठीक है एक साथ कनेक्ट है, और सबका राइट, ये भी राइट, यहां पर भी और यहां पर भी राइट, सबका राइट एक साथ कनेक्ट है। तो बेटा पहला मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब सबके राइट एक टर्मिनल पर, देखो ये पूरा एक ही टर्मिनल है ना यहां से यहां तक, तो एक टर्मिनल पर कनेक्ट है और पूरा राइट एक टर्मिनल पर कनेक्ट है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो इन कैपेसिटेंसेस का सम आएगा। आप कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं यहां पे, यहां तक एक दो और तीन, ठीक है, तो यानी कि तीन कैपेसिटर्स का सम आएगा। क्लियर होगी बात? अब आपको निकालनी है इनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू के लिए हमारे पास चार्ज वगैरह तो कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला तो नहीं लगाना हमें। तो अब हम क्या लगाएंगे बेटा? ए और डी, एरिया और डी सेपरेशन दे रखे तो उसके ऊपर बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता बेटा। तो बेटा C1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या दे रखा है ए, बाई सेपरेशन कितनी है डी, प्लस यहां पर कितना लगेगा सी नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है ए डिवाइड बाई 2D, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ डी चेंज हो रहा है। तो डी चेंज होने से हमने सिर्फ डी को चेंज किया, बाकी चीजें सेम रखी, और सर्किट को एनालाइज किया कि इसको पैरेलल में जोड़ना है सीरीज में जोड़ना है। फॉर्मूला हमें ये वाला यूज करना है क्योंकि हमें ये क्वांटिटीज दी गई हैं, वो क्वांटिटी नहीं दी गई है, ठीक है। तो बेटा अब अपने लिए सॉल्व करना आसान है। एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ गया, डी भी बाहर आ गया, आंसर कितना बच गया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, हमारे पास रिजल्ट बन गया, यहां पर अगर हम करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू, देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 + 3 + 2। रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 6 और 3 9 और 2 11, तो आंसर आ गया हमारे पास सीपी 11/6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप सी नॉट मानते हैं, तो बेटा सी नॉट का 11.6 टाइम्स आ जाएगा, 11/6 टाइम आ जाएगा। तो ये आपका इस सर्किट का कैपेसिटेंस निकालने का एनालिसिस था। रिजल्ट ये आएगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कौन सा लगाना है, क्या दिया हुआ है, और कॉम्बिनेशन समझना है कि कौन सा बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हम इस फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा क्या किया इसने, ये देखो तीन चीज, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में ये भी आता है, एरिया भी आता है, डी भी आता है, और के ये फैक्टर भी आता है। तो यहां पर इसने बेटा इन दोनों सर्किट्स में क्या किया है, दोनों फिगर्स में, पहले फिगर में उसने K1 और K2 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि दो अलग 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 मीडियम्स का इस्तेमाल किया है, जो ये मीडियम है बेटा वो अलग अलग ले लिए। उसके बाद हमने D/2 सेपरेशन हो रही है, किसकी सेपरेशन जो है दो प्लेट्स के बीच की, वो हाफ कर दी, यानी के जब भी व्हेन डी इज डिवाइडेड, समझ लेना बेटा इसको, इन टू पार्ट्स, अगर डी को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उस टाइम, और कीपिंग याद रखना, अब कीपिंग एरिया कांस्टेंट, यदि एरिया को कांस्टेंट रख के डी को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा, कॉम्बिनेशन इज
सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा से कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बात आपको पहली याद रखनी है। और व्हेन ए इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कीपिंग डी फिक्स, डी को फिक्स रख के ए को डिवाइड करते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको ये बात ध्यान में रहेगी तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो पहली सिचुएशन में बेटा डी को डिवाइड किया गया तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दो कैपेसिटर, दो पार्ट हो गए ना, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो ये सी वन हो गया, ये सी टू हो गया, और इन दोनों का सीरीज। और इसी प्रकार से एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सी वन हो गया, सी टू हो गया, दोनों का पैरेलल। क्लियर होगी बात? तो पैरेलल सीरीज के हिसाब से अब आपको सॉल्व करना है। तो अब मुझे फटाफट बता दो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि कब सीरीज लेना है, कब आपको पैरेलल लेना है। सर्किट में एनालाइज ही यही करना है हमें, सीरीज और पैरेलल। तो बेटा सी वन बताओ, फर्स्ट फिगर में सी वन क्या आएगा बताओ? सी वन क्या आएगा बेटा? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो के इंटू सी नॉट। सी नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए ए फिक्स है, बाई डी। डी कितना आ गया बेटा? डी बाई टू, ठीक है। उसके बाद के वन आ जाएगा यहाँ पे। सी टू कितना आ जाएगा? के टू इंटू सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ए बाई डी बाई टू। क्लियर हो गया? तो ये दोनों किसमें? सीरीज में है। किसमें बेटा? सीरीज में है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। अगर इसको आप बेटा, क्योंकि अब ये फिक्स क्वांटिटी, देखो इन दोनों में ये दोनों चीजें तो एक जैसी हैं, तो इसको सी नॉट लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के वन सी नॉट और यहां पर के टू सी नॉट। पिक्चर समझ में आई? तो सी वन सी टू का पता चल गया अब हमें, और मेरा जो टोटल सर्किट है वो सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीरीज में क्या करते हैं बेटा? गुणा के वन के टू सी नॉट स्क्वायर। क्या किया बेटा? इन दोनों की गुणा। चाहे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा पहले, कि भाई C1 और C2 पैरेलल में है तो क्या लिखा जाएगा? ऊपर दोनों की गुणा आएगी, ऊपर दोनों का सम आएगा नीचे। तो बेटा गुणा करो, K1 K2 into C0 square divided by सम करो। सम कितना आएगा? K1 C0 plus K2 C0। रिजल्ट कितना आ गया? K1 K2 C0 square divided by K1 plus K2 इंटू सी नॉट, कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना आ गया? के वन के टू बाई के वन प्लस के टू इंटू सी नॉट। देखो बेटा सी नॉट में तो कोई हमने चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा? सी नॉट की वैल्यू अलग से निकाल लो, फॉर्मूला आपको पता है। ये रिजल्ट इसके लिए तो आपको क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये वैल्यू आपको अलग से दी मिलेंगी न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले आप सी नॉट कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद इस कॉम्बिनेशन का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दे रखे थे उनकी वैल्यूज में क्या फर्क आ रहा है। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो डायलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो क्या लिखा जाएगा? दो अलग अलग मीडियम्स की गुणा बटे दोनों का सम, ठीक है। जैसे कि कैपेसिटर्स को आपस में करते थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको सीरीज में। अब पैरेलल वाला भी लिख लो, पैरेलल वाले में क्या करना है? रिजल्ट देखो बेटा क्या बनेगा, फिर से बताओ मुझे। अब तो आपको समझ में आ चुका है, तो मुझे बताओ फटाफट क्या बनेगा रिजल्ट। C1 क्या बनेगा आपकी बार? इसमें C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ए बाई टू इंटू डी, और साथ में क्या आएगा बेटा? के वन। और C2 क्या बनेगा? K2 epsilon not A by 2 into D। अब ये जो क्वांटिटी है दोनों में एक जैसी है, तो इसको C0 मान लेते हैं, epsilon not A by 2 D। ये तो आप सॉल्व कर लोगे आपको गिवन वैल्यू से, ठीक है। अब आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है? C1 plus C2 लिखा जाएगा, यानी कि K1 C0 plus K2 C0, K1 plus K2 into C0, ठीक है। तो C0 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो फिर से हमें क्या पता चला कि जब पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। तो यहां से हमने क्या सीखा?
हमने ये सीखा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट व्हेन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिड्यूस होता है, ठीक है, और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये आज का टॉपिक था, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, सर्किट एनालिसिस और हाउ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी चेंजेस, ये आपको समझाया। तो ये आपको कंप्लीट करना बेटा, पूरा डिटेल रिव्यू मैंने आपको दिया है, तो ये आपको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है।